प्यारे बंधुओं, आज मैं अपनी इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ फ्लूट कपलिंग के बारे में। फ्लूट कपलिंग में जो नॉर्मली प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम होता है उसके वायर लीकेज का। और वैसे ही लाइफ में हमने एक प्रॉब्लम देखा है जिसमें बंकर कन्वेयर के एक फ्लूट कपलिंग में वायर लीकेज बार बार हो जाता था। क्यों? उसमें कार्बन सील लगे हुए थे। बाद में रीजन पता चला, लेकिन उसके साथ क्या हुआ मैं उसके विवरण आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जब वायर लीकेज हो गया, उस फ्लूट कपलिंग को कन्वेयर शट डाउन करके और वर्कशॉप में लाया गया, उसको खोल करके फिर रिपेयर किया गया, असेंबल किया जाएगा। रिपेयर करने, असेंबल करने में और कार्बन सील रिप्लेस करने में टाइम बहुत लगते हैं। तब तक इस बीच में दूसरा उसमें फ्लूट कपलिंग डालना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बंकर कन्वेयर को हम बिल्कुल शट डाउन पोजीशन में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बंकर में उस बंकर पर्टिकुलर बंकर्स के लिए एक ही कन्वेयर होता है। तो ये काम जितना बड़ा इमरजेंसी हो जाता है कि उस इमरजेंसी को बिल्कुल जो है चैलेंजिंग के रूप में, चैलेंज के रूप में स्वीकार करके उस फ्लूट कपलिंग को रिप्लेस करना पड़ता है। चाहे उसके लिए कितना समय लगे, कितना एनर्जी लगे, कितना मैन पावर लगे, कितना ओवर टाइम लगे, किसी की परवाह न करते उस काम को करना मोस्ट अर्जेंट हो जाता है, क्योंकि वो बंकर फीडिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। एनीवे, तो इसको जो है हम लोग कार्बन सील को रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद टेस्ट किया, सब कुछ फाइन था, कोई लीकेज नहीं था फैब्रिकेशन यार्ड में चेक करने पर। लेकिन जब इसको फिर साइट में लगाया गया, वहाँ अलाइनमेंट कर दिया गया, वहाँ जो है इक्विपमेंट में कोई वाइब्रेशन भी था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, लेकिन चलाने के कुछ देर के बाद ही वो फिर वायर लीकेज हो जाता था। इस प्रोसेस को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार रिपीट किया गया, और प्रत्येक बार जो है आपको कार्बन सील से लीकेज हो जाता था, फ्लूड कपलिंग से लीकेज हो गया था। उसके बाद जो है कार्बन सील अपने पास अवेलेबल भी नहीं था, क्या किया जाए? तो उसके बाद जो है कैसे इस कन्वेयर को रिस्टोर किया जाए, एक छोटा काम कार्बन सील रिप्लेसमेंट, वायर लीकेज अरेस्टिंग, ये बहुत बड़ा एक हरकुलियन वर्क बन गया। हरकुलियन वर्क बन जाने के बाद ये बहुत चैलेंजिंग हो गया, और कार्बन सील के बदले सजेशंस दिया हमने कि कार्बन सील के बदले रबर सील लगा दिया जाए। रबर सील लगाने से ये अपना काम हो जाना चाहिए, बट क्वेश्चन ये है कि कार्बन सील क्यों बार बार टूट जाता था, और कार्बन सील मैन्युफैक्चरर क्यों देता है जब कार्बन सील के साथ इन्हीं समस्याएं हैं। कार्बन सील मैन्युफैक्चरर तो इसलिए देता है कि उसे कार्बन सील की ज़्यादा बिक्री हुई है, चाहे जो भी इसके पीछे रीजन रहे हों। ओरिजिनल डिज़ाइन में, सप्लायर डिज़ाइन में कार्बन सील था, लेकिन कार्बन सील बार बार इन स्पाइट ऑफ टेकिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रिकॉशन, कार्बन सील ब्रेक होता था, वायर लीकेज होता था, वायर ड्रेन हो जाता था, बिल्कुल लॉस था और ब्रेक डाउन था, और बहुत बड़ा काम बन गया। तब डिसीजन लेके कार्बन सील को हम लोगों ने रबर सील से रिप्लेस कर दिया, रबर सील से रिप्लेस कर दिया, और उसके बाद फैब्रिकेशन यार्ड में चेक किया गया, एवरीथिंग इज ऑल राइट, फिर इसको डाला गया। और जब पांच बार के बाद जब रबर सील को रिप्लेस किया गया, तो रबर सील के साथ कोई लीकेज नहीं था, और एक बार में ये काम सक्सेसफुल हो गया। एक बार में जब ये काम सक्सेसफुल हो गया, तो हम लोगों ने एक बहुत आशीष के बाद, ये रबर सील रिप्लेसमेंट करने के बाद ये फ्लूड कपलिंग ईयर्स टुगेदर चलते रहा। तो ये बहुत बड़ा हम लोगों को एक्सपीरियंस मिला कि कार्बन सील के बदले रबर सील लगाना बेटर है, क्योंकि ये ट्रबल फ्री हमको सर्विस देता है। तो ये रबर सील लगा करके अपनी समस्या का हम लोगों ने समाधान कर लिया। लेकिन एक प्रश्न ये है कि कार्बन सील क्यों बार बार टूटता था? देखिए, कार्बन सील एक ब्रिटल मटेरियल का बना होता है, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, और बहुत हार्ड होता है, उसका फिटिंग और प्लेसमेंट बिल्कुल
फुल एक्यूरेसी फुल प्रिसिजन के साथ होना चाहिए। और ज़्यादा दिन तक कार्बन स्टील को अगर रखा जाए स्टोर में तो उसमें ब्रिटलनेस बढ़ जाती है। ब्रिटलनेस बढ़ जाने से उसमें टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो ही हम लोग सस्पेक्ट करने लगे कि कार्बन स्टील में ब्रिटलनेस बढ़ गया, अब ब्रिटलनेस बढ़ जाने के कारण वो बार बार ब्रेक हो जाता था, अब बार बार ब्रेक हो जाने के बाद उसमें बार बार लीकेज हो जाता था, जो कि ये पूरे काम को करने के लिए हम लोगों के 1 से 1.5 महीना कंटिन्यूस काम में लगा रहा, मैन पावर बर्बाद होते रहा और शटडाउन इक्विपमेंट का करना उतना ही डिफिकल्ट था और हमारा अवेलेबिलिटी बहुत बैडली इफेक्ट हो रहा था। इसको कार्बन सिल को रबर सिल से हमने रिप्लेस कर दिया और अपनी समस्याओं का समाधान कर लिया। इस तरह मैं अपने बंधुओं से शेयर करना चाहता हूं कि ऐसी समस्या आती है, कार्बन सिल कहीं लगा है तो उसको प्रयास किया जाए कि कार्बन सिल को रबर सिल से रिप्लेस कर दिया जाए, ताकि ये समस्या बार बार हमारे फ्यूचर के पावर प्लांट में, फ्यूचर के फ्लूड कपलिंग से समस्या न हो। इसी के साथ अपने वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। और अपने बंधुओं से निवेदन कर रहा हूँ इसको